पैराफिन वैक्स एक तरीके का हीटिंग मोडालिटी वर्क ऑन द लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? इट इज द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल और स्टिमुलेट करके क्या करेगा, लोकल हाइपरेमिया करेगा एंड वेसोडाइलेशन। हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पैराफिन वैक्स के ऊपर बात करेंगे। पैराफिन वैक्स फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में हम इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट पर्पस। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसके जो भी हैंड रिटन नोट्स हैं वो टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो आपको करना क्या है कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां से टेलीग्राम जो चैनल है उसका लिंक वहां दिया हुआ है, आप वहां पे जाएं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बस वहां ज्वाइन करना है और आपको पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ने हैं। ठीक है, ना टॉकिंग अबाउट द पैराफिन वैक्स। सो इस वीडियो में हम पैराफिन वैक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, इसके प्रिंसिपल के बारे में जानेंगे कि किस प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है, ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज दिस पैराफिन वैक्स वर्क। इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जानेंगे, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैराफिन वैक्स। देन पैराफिन वैक्स के यूनिट के बारे में जानेंगे, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है इसका, इसके इंडिकेशन कॉन्ट्रा इंडिकेशन, इसके एडवांटेज क्या है, इसके डिसएडवांटेज क्या है एंड फर्दर इसके मेथड्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ पैराफिन वैक्स ऑन पेशेंट क्या है। तो ये सारी चीज के बारे में हम इस वीडियो में धीरे धीरे करके जानेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स एक हीटिंग मोडालिटी है जो कि फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में ट्रीटमेंट पर्पस के लिए काम में लाया जाता है। सो इट इज अ फॉर्म ऑफ डीप हीट थेरेपी एंड इट इज व्हाइट और कलरलेस सॉफ्ट सॉलिड वैक्स। नाउ ये बना किस चीज से है? इट इज मेड फ्रॉम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखें, सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है कि जब दो कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्डेड होता है तो दैट इज द सैचुरेटेड। और अनसैचुरेटेड क्या था कि जब दो कार्बन एटम के बीच में या तो डबल या तो ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसे क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड। तो जो पैराफिन वैक्स है इट इज मेड फ्रॉम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब मेल्टिंग पॉइंट की बात कर लें तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वैक्स इज अप्रोक्स 54 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि 54 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा, मतलब कि इट इज अप्रोक्सीमेटली कि 54 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा टेम्परेचर, तब जाकर के ये जो वैक्स है ये मेल्ट करेगा। तब आप समझ सकते हैं कि इस वैक्स को हमारा जो फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में ट्रीटमेंट पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तब इस टेम्परेचर पे अगर हम पेशेंट को वैक्स थेरेपी देंगे, जो हीटिंग थेरेपी देंगे, तो भाई क्या होगा, जल जाएगा ना। हाँ, तो वही चीज क्या कह रहा है कि इफ मोल्टन वैक्स एट 54 डिग्री सेल्सियस अगर दिया जाएगा और उस बॉडी पार्ट पे पोर किया जाएगा तो क्या होगा, बर्न करेगा, है ना। तो बर्न करेगा तो क्या करना है, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है इसको डिक्रीज करना पड़ेगा कि ताकि जो बर्न है वो कॉज ना करे। तो क्या करेंगे कि इस जो वैक्स है ये वैक्स में हम इम्प्योरिटी का इस्तेमाल करेंगे, इम्प्योरिटी को हम डालेंगे। तो इम्प्योरिटी इज एडेड टू लोअर डाउन इट्स मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना। तो इम्प्योरिटी क्या क्या डालेंगे, लिक्विड पैराफिन या फिर मिनरल ऑयल डालेंगे। मतलब कि ये जो वैक्स है इसका मेल्टिंग पॉइंट है अप्रोक्स 54 डिग्री सेल्सियस। अगर 54 डिग्री सेल्सियस पे क्या है, मतलब जो वैक्स है उसको मेल्ट करके ही ना हम यूज करते हैं पेशेंट पे। तो जब मेल्ट करेंगे 54 डिग्री पे और उसके बाद जब हम ट्रीटमेंट पर्पस के लिए जब इस्तेमाल करेंगे तो ये तो बर्न करेगा ना, तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि इसमें इम्प्योरिटी डालते हैं कि ताकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिक्रीज कर जाए और बर्न कॉज ना करे। अब ये जो मिनरल ऑयल है, ये मिनरल ऑयल क्या है, इम्प्योरिटी है। किसका इम्प्योरिटी है, वैक्स का। मतलब कि वैक्स के साथ इम्प्योरिटी को मिलाया गया है। क्यों मिलाया गया है, टू डिक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट। तो जब ये दोनों मिलता है, कंबाइन करता है, तो क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट तो डिक्रीज होता ही है वैक्स का, और साथ ही साथ क्या होता है कि जो स्पेसिफिक हीट है वो भी डिक्रीज करता है, वो भी लो हो जाता है। अब आप पूछो कि ये स्पेसिफिक हीट क्या होता है, तो स्पेसिफिक हीट क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस जिसका वेट 1 kg होता है उसको उसका जो टेम्परेचर है 1 degree Celsius तक बढ़ाने के लिए उस सब्सटेंस को, ध्यान दीजिए, उस सब्सटेंस का जिसका वेट 1 kg है उसको 1 degree Celsius टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितना हीट हम दे रहे हैं, कितना हीट वो रिक्वायर कर रहा है वो सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड द स्पेसिफिक हीट। तो यहां डेफिनेशन क्या है, द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg सब्सटेंस बाय 1 degree Celsius। तो आया समझ में, तो क्या है कि ये जो वैक्स है, वैक्स के साथ जो इम्प्योरिटी जो एड ऑन हो रहा है तो वो क्या कर रहा है कि ये स्पेसिफिक हीट को भी डिक्रीज कर रहा है, और डिक्रीज करने के साथ साथ मेल्टिंग पॉइंट को भी डिक्रीज कर रहा है, और उसके साथ क्या हो रहा है कि इट एनहांस पेशेंट्स
एबिलिटी टू टॉलरेट हीट फ्रॉम वैक्स. तो इससे क्या हुआ कि मेल्टिंग पॉइंट तो डिक्रीज हो गया, तो उसका जो हीट है वो तो लो डाउन हो गया, और उससे क्या हुआ कि जब हम पेशेंट को हम जब इस्तेमाल करेंगे जो ट्रीटमेंट पर्पज से करेंगे, तो क्या हुआ कि जो पेशेंट की जो एबिलिटी है टॉलरेट करने की हीट वो इंक्रीज कर जाएगी. बट यहाँ पे क्या है कि बेटर देन द वॉटर ऑफ सेम टेम्परेचर, मतलब कि वही वैक्स जिसका टेम्परेचर और उसी टेम्परेचर का सेम अगर वॉटर का इस्तेमाल करें तो वॉटर को टॉलरेट नहीं किया जा पाएगा, मतलब कि वॉटर का जो टेम्परेचर है वो टॉलरेट नहीं कर पाएगा, लेकिन वैक्स का टेम्परेचर टॉलरेट कर लेगा. वो इसलिए क्योंकि वैक्स का जो स्पेसिफिक हीट है वो लो डाउन हो जाएगा, ठीक है, वो डिक्रीज हो जाएगा. अब नेक्स्ट बात करते हैं रेशियो की. तो वैक्स का, पैराफिन का और मिनरल ऑयल, तो ये तीनों का जो रेशियो है वो कितना होता है, तो होता है 7:3:1 का रेशियो होता है. अब बात करते हैं कि जो पैराफिन वैक्स होता है, जो पैराफिन वैक्स का जो हीट होता है ये पेशेंट के स्किन में वो किस मोड ऑफ ट्रांसमिशन से जाता है, तो द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट फ्रॉम पैराफिन टू पेशेंट स्किन इज थ्रू कंडक्शन, ठीक है. अब ये जो पैराफिन वैक्स है ये क्या करता है, क्या है स्पेशली किस चीज के लिए करता है, इट प्रोवाइड पेन रिलीफ टू ज्वाइंट एंड मसल. अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ पैराफिन वैक्स थेरेपी, कि किस प्रिंसिपल पे पैराफिन वैक्स थेरेपी काम करता है, तो इट वर्क ऑन द लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. तो सबसे पहले हम ये जाने कि लैटेंट हीट, जो वर्ड है लैटेंट हीट, इसका मतलब क्या होता है. लैटेंट हीट का मतलब होता है कि कोई भी सब्सटेंस कितना एनर्जी एब्जॉर्ब करता है या फिर कितना एनर्जी रिलीज करता है टू कन्वर्ट फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर, ठीक है. मतलब ये कि कोई भी सब्सटेंस है, सपोज करो कि कोई भी सब्सटेंस मैटर होता है ना, सॉलिड लिक्विड गैस, तो वही, तो कोई भी सब्सटेंस है वो कितना एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है या फिर कितना एनर्जी रिलीज कर रहा है टू कन्वर्ट इट इनटू टू कन्वर्ट इट फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, या तो सॉलिड से लिक्विड, या तो लिक्विड से गैस, या तो गैस से लिक्विड, या फिर लिक्विड टू सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड द लेटेंट हीट. अब यहाँ पे क्या है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है कि कितना एनर्जी वो जो जो सॉलिड है वो कितना एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, कितना एनर्जी रिक्वायर करता है टू कन्वर्ट इट इनटू लिक्विड. जो सॉलिड मैटर है वो लिक्विड मैटर में कन्वर्ट करने में कितना एनर्जी एब्जॉर्ब करता है विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. तो अब यहाँ पे हम ये देख लें कि जो वैक्स होता है वो किस स्टेट में पहले रहता है, सॉलिड स्टेट में, है ना, उसको लिक्विड स्टेट में करना है. हा? तो यहाँ पे क्या लिखा है, एज द वैक्स सॉलिडिफाइड from its molten state it releases its energy of latent heat and this heat energy is converted into टिश्यू. मतलब कि जब ये जो वैक्स है इसे हम ओब्वियसली मोल्टन स्टेट में इस्तेमाल करते हैं, मोल्टन स्टेट में इसको यूज करते हैं, दैट मीन्स कि लिक्विड स्टेट में यूज करते हैं. तो जब लिक्विड से सॉलिड में जब कन्वर्ट होता है कोई भी मैटर, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो क्या होता है, हीट रिलीज करता है, एब्जॉर्ब तो करता नहीं, हीट क्या करता है, रिलीज करता है. मतलब कि जब सॉलिड से लिक्विड में जाएगा तो हीट एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन जब लिक्विड से सॉलिड में जाएगा तो हीट रिलीज करेगा. तो वही सेम चीज यहां बोल रहा है कि जब हम मोल्टन स्टेट में वैक्स को हम लगाते हैं पेशेंट पे, तो वो जब सॉलिडिफाई करता है तो क्या करेगा, हीट रिलीज करेगा, और वही जो हीट है वो कंडक्ट करेगा इनटू द टिश्यू. नेक्स्ट बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पैराफिन वैक्स. अब फर्स्ट पॉइंट क्या है कि लो थर्मल कंडक्टिविटी. अब ये थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है, थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब होता है कि एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू कंडक्ट हीट. ये कोई भी मटेरियल उसकी क्या एबिलिटी है, कितनी एबिलिटी है टू कंडक्ट हीट. तो इसका जो पैराफिन वैक्स है इसकी एबिलिटी कम है, मतलब कि ये हीट को पास ऑन ज्यादा नहीं करता है, मतलब कि ये पास ज्यादा नहीं कर पाता है. तो जब पास ज्यादा नहीं कर पाता है तो क्या होता है, इट गिव्स ऑफ हीट वेरी स्लोली. तो ये क्या करेगा कि ये बाहर हीट को बाहर रिलीज बहुत ही धीरे धीरे करेगा, तो दैट इज वाई नो रैपिड लॉस ऑफ हीट. और इसीलिए जब हम पैराफिन वैक्स लगाते हैं तो दैट इज वाई जो हीट लॉस है वो कम स्लोली स्लोली जाता है ना. और नेक्स्ट क्या पॉइंट है, इट इज सेल्फ इंसुलेटिंग. ये सेल्फ इंसुलेटिंग भी है, कैसे, कि जो फर्स्ट लेयर क्रिएट्स अ थिन लेयर ऑफ एयर नेक्स्ट टू स्किन विच एक्ट एज इंसुलेटर. अब क्या होता है कि जब हम स्किन पे जब हम ये वैक्स लगाते हैं, वैक्स का लेयरिंग करते हैं, तो उससे पहले ही क्या होता है, फर्स्ट लेयर किसका रहता है, एयर का रहता है, और उसके बाद हम वैक्स का लेयर लगाते हैं, है ना. तो
ऐसे ही वो क्या है, सेल्फ इंसुलेटिंग है। तो ये क्या हुआ, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पैराफिन वैक्स। तो पैराफिन वैक्स का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, लो थर्मल कंडक्टिविटी है और क्या करता है, इट गिव्स ऑफ हीट वेरी स्लोली। नेक्स्ट क्या है, सेल्फ इंसुलेटिंग है, ठीक है। नेक्स्ट है पैराफिन वैक्स यूनिट, मतलब जो पैराफिन वैक्स का जो मशीन है उसमें क्या क्या उसका एपरेटस है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो पैराफिन वैक्स का जो कंटेनर है, सबसे पहले कि पैराफिन वैक्स किस में होता है, कंटेनर में होता है। और वो जो कंटेनर किस चीज का बना होता है, स्टेनलेस स्टील का बना होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या कि पैराफिन वैक्स किस में होता है, कंटेनर में होता है। कंटेनर किस चीज का बना है, स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है। नेक्स्ट क्या है कि इसके पास थर्मोस्टेट होता है। अब थर्मोस्टेट क्या है कि थर्मोस्टेट इज अ डिवाइस दैट रेगुलेट टेम्परेचर। तो जो थर्मोस्टेट है, इट कीप्स द टेम्परेचर एडजस्टेड विथ नॉब। तो क्या होता है, ये जो मशीन होता है इसके पास क्या होता है, नॉब होता है, जिससे थर्मोस्टेट, जिससे इस नॉब से हम टेम्परेचर को एडजस्ट करते हैं। किसका टेम्परेचर, मतलब जो थर्मोस्टेट है वो क्या करता है, वो एक डिवाइस है जो कि टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। अब थर्मोस्टेट पायलट लैंप, थर्मोस्टेट पायलट लैंप मतलब ये कि जो थर्मोस्टेट डिवाइस है ये ऑन है कि ऑफ है, ये हमें पायलट लैंप बताता है। थर्मोस्टेट का पायलट लैंप, तो पायलट लैंप क्या है, इंडिकेट वेदर थर्मोस्टेट इज ऑन और ऑफ। तो ये चीज इंडिकेट करता है कि वेदर द थर्मोस्टेट डिवाइस इट इज ऑन और ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं पावर पायलट लैंप। तो पावर पायलट लैंप का काम क्या है कि हमें ये बताता है कि जो मेन पावर है ये चीज ऑन है कि ऑफ है, वेदर पावर इज ऑन और ऑफ। लिड कवर कंटेनर एंड कैस्टर, तो लिड कवर कंटेनर क्या है कि जो पैराफिन वैक्स का जो कंटेनर है ना, तो उसके ऊपर ढक्कन लगा रहता है ना, तो ढक्कन के ऊपर वो क्या है, लिड ही है ना, तो जो ढक्कन है। एंड कैस्टर, कैस्टर क्या है, जो उसके नीचे जो चक्का लगा रहता है ना, व्हील, जिससे हम क्या करते हैं कि जो ढक्कन का जो वो लिड जो बना हुआ है तो उससे पकड़ के, और जो चक्का रहता है चक्का से हम उसको मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो दैट इज इट। तो क्या करता है, इट अलाउ पैराफिन वैक्स बाथ कंटेनर टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो पैराफिन वैक्स यूनिट में क्या है, कंटेनर है, थर्मोस्टेट है, थर्मोस्टेट पायलट लैंप है, पावर पैलेट स्लैम्प है, उसके बाद लिड कवर कंटेनर है एंड कैस्टर है। नेक्स्ट बात करते हैं कि फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है पैराफिन वैक्स का। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, हीट प्रोडक्शन, कैसे ये हीट प्रोड्यूस करता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जब हम अप्लाई करते हैं पैराफिन वैक्स को स्किन के ऊपर, तो क्या होता है कि फर्स्ट 2 मिनट तक ये 12 से 13 डिग्री टेम्परेचर तक ये राइज करता है। मतलब कि जब हम स्किन पे हम पैराफिन वैक्स को अप्लाई करते हैं तो पहला 2 मिनट तक ये 12 से 13 डिग्री तक राइज करता है। उसके बाद क्या करेगा कि उसके बाद ग्रेजुअली वो फॉल करेगा, ग्रेजुअली वो ड्रॉप करेगा, एंड उसके बाद जो एंड ऑफ 30 मिनट, मतलब कि एंड ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ 30 मिनट, फिर ये क्या करेगा, 8 डिग्री तक ये राइज करेगा। समझ में आया। नेक्स्ट है सर्कुलेटिंग इफेक्ट, मतलब कि जो पैराफिन वैक्स है वो हमारे सर्कुलेशन पे क्या इफेक्ट शो करता है। तो क्या होता है कि जो सुपरफिशियल कैपिलरीज एंड आर्टेरियोल्स है उसको स्टिमुलेट करेगा, और स्टिमुलेट करके क्या करेगा, लोकल हाइपरेमिया करेगा एंड वेसोडाइलेशन। हाइपरेमिया का मतलब क्या होता है कि जो पर्टिकुलर जो लोकल एरिया का जो ब्लड वेसल है वहां पे ब्लड का अमाउंट बढ़ जाता है, दैट इज कॉल्ड हाइपरेमिया। एंड वेसोडाइलेशन, तो क्या होगा कि जो वेसोडाइलेशन हुआ ना, यहाँ पे क्या बोल रहा है, लोकल, लोकल का मतलब कि इस पर्टिकुलर रीजन पे जहां पे पैराफिन वैक्स लगा है वहीं पे सिर्फ ऐसा होगा, वेसोडाइलेशन होगा। लेकिन ये भी बात है कि जो वेसोडाइलेशन होगा जो मसल में वो बहुत ही नेग्लिजिबल होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आता है कि स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू टेम्परेचर ड्रॉप्स रैपिडली आफ्टर 15 to 20 मिनट रिड्यूसिंग वेसोडाइलेशन। मतलब कि जब ट्रीटमेंट के 15 से 20 मिनट तक ट्रीटमेंट हो गया, तो 15 से 20 मिनट के बाद क्या होता है कि जो स्किन और जो सबक्यूटेनियस टिश्यू है उसका टेम्परेचर ग्रेजुअली ड्रॉप करने लगता है, और क्या करने लगेगा, जो वेसोडाइलेशन यहाँ पे हुआ है ना, वेसोडाइलेशन वो भी रिड्यूस होने लगता है, ठीक। अब क्या होता है कि जब ये भी चीज है कि जब पैराफिन वैक्स का हम जब इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, मसल सर्कुलेशन होगा, मसल में सर्कुलेशन होगा। तो जब सर्कुलेशन होगा उसी के बाद ये एडवाइजेबल होता है कि आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ पैराफिन वैक्स तभी हम एक्सरसाइज दें। उससे क्या होगा कि एक्सरसाइज देने के बाद जो रिजल्ट होगा बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा। क्यों होगा इफेक्टिव, क्योंकि जो पैराफिन वैक्स का जब हम ये अप्लाई किए हैं तो उससे वेसोडाइलेशन हो रहा है, उससे क्या होगा, ब्लड का सर्कुलेशन इंप्रूव कर रहा है, और उसके बाद अगर हम एक्सरसाइज देंगे तो क्या होगा कि रिजल्ट इफेक्टिव होगा।
नेक्स्ट पॉइंट है एनाल्जेसिक इफेक्ट। जो पैराफिन वैक्स है वो एनाल्जेसिक इफेक्ट भी शो करता है। कैसे? जो इफेक्ट होता है किसका? वैक्स का इफेक्ट। वो क्या करेगा? वो सेडेटिव इफेक्ट देगा ऑन टिश्यू। सेडेटिव इफेक्ट, सेडेटिव का मतलब क्या होता है? फीलिंग ऑफ कामनेस, फीलिंग ऑफ पीसफुल या फिर फीलिंग ऑफ स्लीपी, दैट इज कॉल्ड द सेडेटिव, है ना। तो जब वैक्स है तो वैक्स क्या कर रहा है? ये हीट थेरेपी है ना। तो जब हीट थेरेपी है मतलब कि हमारे बॉडी पे जब हीट का ये हीट अप्लाई हो रहा है तो क्या होगा कि हमारा बॉडी एकदम रिलैक्स हो जाएगा, वैसोडाइलेशन हो जाएगा, ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, तो इससे क्या होगा कि हमारा जो टिश्यू है वो बहुत ही एकदम काम फील करेगा, बहुत ही सेडेटिव वाली ये सेडेटिव इफेक्ट आएगा, बहुत ही स्मूथ फील करेगा, बहुत ही अच्छा वाला फील करेगा, है ना। तो क्या होगा कि मॉइस्ट हीट सूदिंस दी पेशेंट। जो मॉइस्ट हीट ऑब्वियसली ये क्या कैसा हीट है, मतलब जो जो पैराफिन वैक्स है वो कैसा हीट है? मॉइस्ट हीट है। तो ये क्या करेगा? सूदिंस द पेशेंट, बहुत ही अच्छी वाली फीलिंग देगी। जब अच्छी वाली फीलिंग देगी तो पेशेंट क्या करेगा? कंफर्टेबल होगा, है ना। तो इसीलिए एक्सरसाइज करने से पहले हम पैराफिन वैक्स देते हैं। ये पैराफिन वैक्स देने के बाद ही एक्सरसाइज करें तो ही ज्यादा बेहतर होगा कि ताकि उससे सर्कुलेशन अच्छा होगा, उससे पेशेंट को कंफर्टेबल फील होगा, उससे और क्या होगा, सूदिंग इफेक्ट होगा, फीलिंग ऑफ सेडेटिव इफेक्ट, सेडेटिव कामनेस, स्लीपीनेस, वैसी वाली फीलिंग आ गई। तो इसलिए एक्सरसाइज देने से पहले हम ये पैराफिन वैक्स को इस्तेमाल करते हैं। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है इफेक्ट ऑन सेंसरी नर्व। अब सेंसरी नर्व पे ये कैसे इफेक्ट करता है? तो ये क्या करता है कि ये माइल्ड हीटिंग अपीयर्स टू हैव अ सेडेटिव इफेक्ट ऑन सेंसरी नर्व एंडिंग। सेम यही चीज है कि जो सेंसरी नर्व है, सेंसरी नर्व एंडिंग पे भी ये सेडेटिव इफेक्ट शो करता है। मतलब कैसे कि जो माइल्ड हीटिंग है ना, माइल्ड हीटिंग जो पैराफिन वैक्स माइल्ड हीटिंग दे रहा है, तो माइल्ड हीटिंग से जो सेंसरी नर्व एंडिंग है उस पे सेडेटिव इफेक्ट शो करता है। लास्ट आता है स्ट्रेचिंग इफेक्ट। क्या है स्ट्रेचिंग इफेक्ट? स्ट्रेचिंग इफेक्ट क्या होता है कि जो वैक्स है, वैक्स हम जब अप्लाई किए स्किन पे तो ये क्या किया, स्किन को मॉइस्ट कर दिया, क्या किया, सॉफ्ट कर दिया, प्लीएबल कर दिया, मतलब कि फ्लेक्सिबल कर दिया, है ना। जब फ्लेक्सिबल कर दिया, मॉइस्ट कर दिया स्किन को, तो क्या हो गया, वो आसानी से स्ट्रेच हो सकता है, है ना। वो स्किन जो है वो आसानी से स्ट्रेच हो सकता है। तो दैट इज व्हाई इट इज यूजफुल फॉर स्ट्रेचिंग स्कार्स एंड एडहेशन बिफोर अप्लाइंग मोबिलाइजेशन टेक्निक, है ना। कि जो स्कार है और जो एडहेशन है उसको हमें स्कार और जो एडहेशन है उसको हमें स्ट्रेच करने के लिए क्या करेंगे कि हम मॉइस्ट हीट का इस्तेमाल करेंगे, हम पैराफिन वैक्स का इस्तेमाल करेंगे, तो उसके बाद जो मोबिलाइजेशन टेक्निक है वो बहुत ही आसानी से हो जाएगा, है ना। तो ये क्या होता है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट में हम क्या क्या बात किए, हीट प्रोडक्शन के बारे में बात किए, देन सर्कुलेटरी इफेक्ट के बारे में बात किए, देन एनाल्जेसिक इफेक्ट, देन इफेक्ट ऑन सेंसरी नर्व, एंड लास्टली स्ट्रेचिंग इफेक्ट। ट्रोमेटिक स्वेलिंग होता है, पोस्ट ट्रोमेटिक स्वेलिंग की डर्मेटाइटिस है तो इसमें हम नहीं देंगे, इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। हीट है वो कैसा है? लो है। तो जब डिप एंड रैप मेथड, ये क्या है आप इस नाम से समझ लो ना, डिप एंड रैप, इसमें डुबोंगे और लेकर के ब्रश करते रहेंगे। दैट इज द क्या है ब्रश मेथड।